सर मैं पूछ रहा था कि जो सी सेल का सी स्केल का सा है वो तो ई स्केल का कोमल धा भी है, तो हम कैसे वो सा है कि कोमल कैसे है ई स्केल का कोमल धा है, कैसे हुआ? सर? वो स्केल शिफ्टिंग करने के समय हम करते हैं ना, वो जो एक स्केल का जो एक नोट होता है तो वो दूसरा स्केल का डिफरेंट नोट होता है, वो तो हम कैसे पहचाने कि वो उस स्केल बज रहा है कि कुछ डिफरेंट? सा रे धा, चलो और बताओ। सा 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 ना सा सा रे धा। अभी भोपाली से निकल जाओ। ता ना ना क्या गाया? सा नी धा। वेरी गुड, फिर से गा रहे हैं। आ, 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 आ क्या गाया? पा धा नी सा। बहुत अच्छा। तो ये पहचान जो है ना, पा धा नी सा, थोड़ा बहुत सुर में सब कोई तो नहीं गा पाता है। तो हमारा ये जो बच्चा है, इसका नाम है गूगल, ठीक है, गूगल नहीं गूगल। तो गूगल ने ये गाया, सुर कम है उसका, कोई बात नहीं है। जिसका सुर कम नहीं है वो भी कोशिश करो गाने को, जैसे कि सारे गा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा। ये जो पहले वाला जो बिगिनर्स लेवल का जो अलंकार है, जैसे कि सारे रे गा गा मा मा पा, सारे गा मा रे गा मा पा धा, तीन तीन चार चार पांच पांच, ये जो पाल्टा और अलंकार जो है इसको गाया करो। पहली बात गाया करो, जितना गाओगे उतना आपका मुंह से बानी निकलेगा, सारे गामा निकलेगा। सारे गामा अगर निकल गया तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि ये बच्चा अभी पहचानता है। और एक अपने गा रहे हैं, क्या नोट? सा सा। सारण ने माइक ले लो थोड़ा सा। अभी कुछ चीज है जो ना, जो अभी सुर का अगर पहचान हो जाएगा तो कोई कुछ भी बजा सकता है, जैसे कि बजाओ। तो ये पहचान जो है ना, हमने क्या गाया? सा सरे गरे गा रे धा। जाओ तो पहचानने में तुमको पहचान आ रहा है, इसलिए बजा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पाते। एक मिनट, क्या गाया? ताना ताना सानी धा पा धा माँ। कौन सा माँ है ये? शुद्ध माँ? नहीं, ये गलत कर दिया, ये हमने तीव्र माँ गाया। सारे ने बोलो, देखो तारा ना ताना बजा, ये गाओ माँ गा रे तारा ना। माँ नहीं सारन ने, क्या कर रहे हो? सा सानी ताना ना ताना सानी धा नी धा पा सा सा नी धा पा माँ सानी धा पा माँ। तो ये पहचान एवरी वन को बोल रहे हैं कि सब ने मिलके ये प्रैक्टिस करो, कि कौन सा कोई भी गाना हो, वो भजन भी हो सकता है, मॉडर्न सॉन्ग्स भी होता है सर, हो सकता है हिंदी फिल्मी गाना भी हो सकता है। तो ढूंढो उसका सा किधर है, अगर सा को तुमको मिल गया ना तो कोई भी गाना आसानी से बजा पाओगे, कोई भी कुछ भी नोट का अगर पहचान, यानी स्वर का अगर पहचान हो जाएगा
तो कुछ भी बजा सकोगे, जैसे कि ता ता ता, बोलो सा धा मा, नहीं गौर से सुनो तारा साधा कुमुलधा, हाँ सादा दा, दो धा, दो धा हमने बताया, तादा रा ता तादा, क्या बोला गा तारा द बांसुरी पे बजा के ढूंढो, तो एकदम सिंपल है ता दा सा दा गरी सा रे गरी गा रे सा, ये कोई राग नहीं बता रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं, है ना। तो क्या क्या बताया, कौन बताएगा, और त्रितानु अकेला बता रहा है, हाँ सारे का कोशिश किया है, चलो सारे तो ठीक है, दारारा तारा सारे गा मा सारे गा तारा सारे गा दा पा सारे गा दा, बांसुरी लेके बजाओ, देखो तुमने जो नोट बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, कोमल था नहीं, क्या कौन सा था बजा? हमने क्या बोला दारा रा ताना, हाँ पहले शुद्ध था बोला उसका बाद कोमल था बोला, सारे गा दा दा, बाद में सारन बोलेगा ताना ना ना, कौन सा नोट नीचे नीचे बोलो नीचे, गा 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 रे सारे गा रे गा रे सा, हाँ गा टा डा सा धा कौन दा धा ता तारा रा टा, मत बजाओ पहले नोट बोलो ता ता ना धा गा पा धा पा ता रा ता दा रा गा, बजा के देखो क्या आ रहा है, दा रा समझ में आया कुछ, जोर से बताओ, हाँ तो नोट को अगर पकड़ पाओगे पहले तो वो कौन सा राग हो रहा है, कौन सा राग, कौन सा गाना बज रहा है, कोई भी गाना, देखो फिल्मी गाना जो होता है हर कोई समझता कि फिल्मी गाना क्यों सुने, अरे फिल्मी गाना में भी बहुत कुछ है, एक 3 मिनट का 4 मिनट का 4.5 मिनट का गाना में जो होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, बहुत कुछ होता है उसमें,
तो उसमें अगर उस गाना को अगर पकड़ पाओगे, सा पहले क्या है, पहले ढूंढना है सा, पहले सा को ढूंढना है, सा अगर मिल गया ना तो बस कोई बात नहीं है, सा मिल गया तो कोई बात नहीं है। उतना कठिन बात भी नहीं है अगर पहले से हम लोग सारे गामा पाधा नीचा जो है ना, जो पालटा अलंकार हमने देते हैं उसको अगर ढंग से गाया करो, खाली गाओ, गाओ। मानते हैं कि सुर नहीं है गले में, कोई कोई हमको बताता है, बहुत सारे हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट है जो बोलता है कि गुरुजी सुर नहीं है गले में तो कैसा सुनने में खराब लगता है। ठीक है, पहले पूरा डोर विंडो जो है ना वो सब बंद करके लिए करके तुम गाओ, एक सुर को पकड़ लो, जैसे कि तानपुरा का एक सुर ले लो सा, उस सा को लेके तुम गाया का गाने का जो पालटा अलंकार देते हैं उसी को गाओ, तो गाते 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 एक समय आएगा। वाल्मीकि ऋषि ने भी बोला था पहले राम नाम नहीं कर पाया, मरा मरा कहे उसके बाद राम नाम आया। तो ये जो घिसते घिसते सब कुछ होता है, अभी किसी को पूछना है तो पहले पूछो, कौन पूछेगा, गूगल बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो सारे गामा, नहीं माइक को तुम ऐसा लेके बोलो सर, हमारा मेरा जो क्वेश्चन है वो है, हम सारे गामा में से सारे गामा पाधा नी ही क्यों करते हैं, और कुछ स्वर जैसे कि चा का ऐसा कुछ क्यों नहीं लेते, सिर्फ सारे गामा पाधा नी ही क्यों लेते हैं, सारे गामा पाधा नी क्यों लेते हैं, सिर्फ यही सात नोट हमारे क्यों यूज करे जाते हैं और कुछ अलग से जैसे कि चा का ऐसा नहीं यूज होता है। चा का नहीं, चा का तो चक्का बन जाएगा, नहीं चा का नहीं है ऐसा ऐसा, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत भी नहीं है बट ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना तो हम लोग क्या कहते हैं सारे गामा पादा निशा, तो उसको आकार से भी तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आ तो हो गया ना, तो का अगर का बोलोगे ना का, नहीं ऐसा नहीं किया जाता है, वो संगीत नहीं होता है। आ जो वोकलिस्ट है, वोकल जिन्होंने, देखिए हम वोकलिस्ट नहीं है तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा भी सुर कब इधर उधर लगता है, कोई बात नहीं है, आप लोग भी ऐसा कोशिश कीजिए, अगर वोकलिस्ट होते तो हम सुर पे उतना ध्यान देके गाते। तो इनका क्वेश्चन जो है वो है का या चा, ऐसा नहीं होता है, ध्रुपद में क्या होता है, धीरे रे 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 ना नूम तुम ऐसा बोलता है, तो है ना, कासा नहीं होता। और एक बार दोहरा तुम्हारा क्वेश्चन, खाली सारे गामा क्यों बोलते हैं, सारे गामा पाधा नी ही क्यों, ये जो संगीत का परंपरा है ना बहुत प्राचीन है, तो ये सारे गामा देखिए जैसे हम लोग समझते हैं सारे गामा पाधा निशा सानी धपा मकारिशा, ये हमारा परंपरा है और संगीत का एक नियम है जो सारे गामा ही है। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन, प्रकाश बोलेगा कुछ। सर हमारे शास्त्रीय संगीत में 12 स्वर होते हैं सर, तो ये स्वर को पहचानने के लिए कुछ ऐसा तरीका सर है जिसे हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह पहचान पाए, मैंने रियाज करके, तो इसका कुछ ऐसा मैंने तरीका सर है वो मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर तरीका कैसे। हम समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, तुरंत पहचान जाए। अभी अभी हमने जो बताया ना, अभी हमने जो अभी यस सर इतना देर से हम बता रहे थे, हाँ सर, तो उसका पहचानने को जो हम तो स्टेशन बताए थे ना कि सा का बाद रे, रे का बाद गा, गा का बाद मा, मा का बाद पा, ऊपर जब जा रहे हैं ना असेंडिंग में जब जा रहे हैं हम लोग, और डिसेंडिंग और असेंडिंग, सारे गामा पाधा निसा सानी धपा मा करे सा, तो एक सीढ़ी मतलब सीढ़ी मतलब स्टेयर ऐसे जैसे हम लोग स्टेयर में चढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यस सर, तो ये सारे गामा समझ लो कि अगर असेंडिंग होगा तो ऊपर जा रहा है, अगर डिसेंडिंग होगा तो नीचे आएगा, अरे ये ऊपर जा रहा है यस सर, ये समझना है,
कान में बैठाना है कि सा का बाद जो रे होता है ना, वो रे हो रहा, अगर हम बोलेंगे ना सा रे तो रे नहीं होता, नहीं हुआ, नी हो गया, सा नी, हाँ नी का जगह हम रे बोल रहे हैं, नहीं गलत है, सा रे था ना, सा रे गा मा, क्या बोला, सानी धापा नहीं होता है ऐसा, तो सारे गामा जब जाएगा ऊपर ही जाएगा, सारे गामा सानी धापा। सर सारे गामा के अलावा अगर इसे हम पहचानने के लिए अगर आकार में अगर गाएंगे तो वो ज़्यादा फैसिलिटी हमारे दिमाग के लिए होता है कि सारे गामा बोल कर ज़्यादा फैसिलिटी होता है, क्योंकि ज़्यादातर गाना सर नहीं नहीं, सारे गामा अगर बोल के गाओगे तो पहचानने में, तुम्हारा नाम क्या है, प्रकाश, यस सर, तुमको देखने में हम एक बार देखेंगे तो हम बोलेंगे कि यही प्रकाश है, मगर कोई भी स्टूडेंट हमारा यहाँ जो है ना वो तुमको देख के पहचान जाएगा कि ये प्रकाश है, ये सारण्य है, ये है डैनी हमारा तबला वादक, हाँ तबला वादक डैनी है, क्या विवेक अभीक, तो तबला वादक अभीक है, इसको देखने में ऐसा, इसका चेहरा ऐसा है, वो कृतानु है उसको चेहरा, वो संजीव है चेहरा ऐसा, वो गौतम है उसको चेहरा ऐसा, टोपी पहनते हुए आया है, तो ठीक है, तो इसको देख के हम लोग पहचान जाते हैं कि ये है, तो ऐसे ही सारे गामा को सुन के पहचानना है। थैंक यू सर, अभी अभी क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हुआ। तो किसको कैसा देखने में है, तो वो सुन के पहचानना है कि कैसे सुनेंगे हम, समझ गया? सर दिक्कत कहाँ पे होता है, जैसे अगर हम सारे गामा गाए, जैसे सारे गामा पाधानी सा, तो इसमें क्या हुआ कि हम स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़े, सारे गामा पाधानी सा, बिल्कुल। अब जैसे जैसे मेरे को सा से अगर पा में लैंड करना है, तो यहाँ पे दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि कितना सुर में कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाए। यहाँ देखो इसका एक सहज तरीका है, सा जो है देखो तानपुरा में हम सा दे रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं सा को, सारे गामा पा, यहाँ पा है, तो सारे गामा तीन चार सीढ़ी ऊपर है, उसका बीच में कोमल रे कोमल रा तो है, सुद्धमा तीव्रमा है, सारे गामा ठीक है, तो अगर मनी मन गा लोगे ना कि सा पा हो जाएगा, कोशिश करो, ये बहुत फाकीबाजी काम है, अभी सा उसके बाद गा गाओ, पहले सा गाओ, सा गा गाओ, गा नहीं कोमल गाओगे, सागा। अच्छा हम अब बताएंगे, तुम कई सेकंड पॉज लेना और मनी मन तुम चिंता करके सोच लेना कि इस पाक इधर होना है, ठीक है, अभी सा गाओ, सा उसके बाद पा गाओ, सा नहीं मन मन में मनी मन में गा लो एक बार सा यहाँ पा आते सा पा फिर सा 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 पा सा पूरा ऑक्टेव हो गया तो सा पा सा सा पा सा गाओ सा पा सा पा सा 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 पा पा सा सा
हाँ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, मन ही मन गा लो और उसको आवाज में बदलो, आवाज में बदलो, तब जाके देखोगे कि बांसुरी में जो सुर है ना वो परफेक्ट निकल रहा है। और किसी का क्वेश्चन? सर पहले जैसे मालूम होता है ये सी स्केल में ये तनपुरा बजता है तो सा हम लोग पहचान जाते हैं, अगर दूसरा स्केल में बजेगा तो कैसे सा अगर? हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है ना, ना। देखो अभी अभी एक सी में बज रहा है, हाँ हम इसको सी शार्प कर देते हैं, हाफ नोट ऊपर कर दिया, सा हो गया ना सा पा सा। कैसे मालूम पड़ेगा अगर हमको? नहीं मालूम तो तब पड़ेगा जब तुमको पहचान आ जाएगा, मालूम तब तक नहीं पड़ेगा। अभी सी शार्प जो है, तानपुरा जो है, सबका घर में तानपुरा है, अगर ये वाला तानपुरा नहीं तो कुछ अपने तुम लोग जो ऐप यूज करते हो ना वो आयशाला, उसमें तानपुरा है तो उसमें तुम स्केल चेंज करके देखो कि सा रे गा कैसा होता है, ठीक है? तो स्केल चेंज करके देखो, सी करो, सी शार्प करो, जिसको गला जहां बैठता है। अभी अभी पहले पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है उनको उनको बी फ्लैट या बी फ्लैट यानी ए शार्प बी इस जगह पे उसको गला करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, यानी सी तक चलेगा। और जो हम लोग जो बड़े हैं ना, जो बड़ा है उनको क्या करते हैं, उन लोगों को सी शार्प अच्छा स्केल है। सी शार्प का क्या होता है, वो जो सी शार्प का सा जैसे कि अभी लगाया सी शार्प, सा सारे गा मा पा दा नी सा, कोई प्रेशर नहीं है, सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी दा पा पा दा नी सा, जो हमने अलंकार दिया उसको गाओ ना, सारे सा रे गा रे मा गा मा गा रे, बहुत सारे अलंकार हमने दिया है, जैसे कि जो लेसन दिया हमने पा गामा पा गामा रे गा सा रे नी, ये बहुत अच्छा काम करेगा सर को पहचानने में, बहुत अच्छा काम करेगा। फिर जाके हो सानी धानी सानी धानी सानी धानी सानी धानी सानी रे सा गा रे मा गा पा मा गा रे सा रे सानी, छोड़ो तानपुरा, चानपुरा छोड़ के खाली ये कोशिश करो, सा थोड़ा छोड़ दिया ना तो कान में है ना सुर, सा यही तो सा बज रहा था, सा सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे सा गा रे मा गा रे। और एक अच्छा अलंकार है जो सारे गा मा पा सा पा मा गा रे सा, ये वाला रे गा मा पा दा रे धा पा मा, देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा इधर उधर है, सारे गा मा पा सा पा मा गा रे सा रे गा मा पा दा रे धा पा मा गा रे गा मा पा दा नी गा नी धा पा मा गा, ये वाला हमने सीखा है। और एक है सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा पा सुर, ठीक है कि नहीं देख लो, सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। इसमें क्या है, देखो सा के बाद सा मा, उसके बाद रे रे पा, उसके बाद सा मा रे पा, उसके बाद गा धा, सब जंपिंग नोट है। तो जंपिंग नोट को अगर याद करोगे और गाते जाओगे, बार बार गाते जाओगे, बजाओगे जितना उतना गाओगे तो पहचान में आ जाए। के लिए हमने जो जो बताया ये अगर आप कर पाएंगे तो आपको भी सर की पहचान आ जाएगा, और आप कोई भी गाना कोई भी कुछ बजा सकेंगे गा सकेंगे। तो हमारा एक सलाह है जो है ज़्यादा प्रैक्टिस, और जो आप गाओगे जो आप बजाओगे उसको गाया करो, जो हम सरगम देंगे उसको गाया करो। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।